दोस्तों हम आ चुके हैं चौपारण में और झारखंड घुस चुके हैं। चौपारण में देखिए ये होटल है, जंगल के बीचों बीच में है। भैया हम लोग चौपारण में सामान ले लिए और सामान भैया का दुकान है यहाँ पे चौपारण बाजार में। सामान में क्या लिए हैं देखिए, तेल ले लिए, प्याज है इसके अंदर और यहाँ एक चूल्हा लिए हैं। राम राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप देखे थे कि हम औरंगाबाद पार करके 10 किलोमीटर खड़े हैं, वहीं पर अभी भी खड़े हैं। सुबह के इस समय 8 बज चुके हैं और अपनी गाड़ी का एक काम है कराना। आगे जो टायर लगा हुआ मैं पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, वो टायर चलते चलते ज्यादा घिस गया है और घिसने की वजह से अब उसका टायर का जो धागा होता वो दिख रहा है, वो पंचर कर सकता है कहीं पे। तो अब कहीं आगे चलते हैं टायर की दुकान पे लगा के, पीछे का कोई बढ़िया टायर आगे लगाएंगे और उसको पीछे करेंगे। और अपने सब पार्टनर लोग भी आगे इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए उनसे मिलते भी हैं और वहीं अपनी गाड़ी का काम भी कराएंगे। और अभी यहाँ हम देखिए यहीं पर खड़े थे तो यही मेन रोड है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। दोस्तों हम आ चुके हैं चौपारण में और झारखंड घुस चुके हैं। चौपारण में देखिए ये होटल है, जंगल के बीचों बीच में है और बहुत जगह है इस होटल पे और गाड़ियाँ भी बहुत देखिए लगी रहती है। वो मेन रोड है, अपना गाड़ी चल रही है और इसके आगे ही घाट भी पड़ता है, घाटी सेक्शन चालू हो जाता है चौपारण का। और हम बता रहे हैं हमारा जो टायर था उसका वीडियो हम शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि अचानक से मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया और टायर खुलने लगा। तो ये देखिए ये जो टायर लगा है, ये टायर जो है मेरा पहले पीछे था, अब पीछे वाला टायर यहाँ लगा रखे थे क्योंकि इसमें ये टायर नहीं चलता है, आगे का पतली गोटी का दूसरा टायर होता है। पर अब भाई मजबूरी है रास्ते में तो लगाना पड़ा ये। और वो टायर आपको दिखा रहे हैं, वो जो आगे चल रहा था वो टायर का कोई प्रॉब्लम है, मतलब रिम में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वजह से टायर जो है वो अजीब तरह का दबा रहा था। वो देखिए वो जो टायर लगा हुआ है आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे, देखिए तो इसमें टायर में ये पतला ज़्यादा हो गया था तो आगे चलने लायक नहीं था, इसको इसीलिए हमने पीछे लगा दिया। पीछे का जो टायर चल रहा था वो सामने लगाया हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर खाना खाएंगे और यहीं आराम करेंगे और शाम को यहाँ से नहाकर तब सफ़र स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से ज़्यादा अपना झारखंड का भी सफ़र नहीं है, मुश्किल 150 किलोमीटर, उसके बाद बंगाल आ जाएगा चिरकुंडा बॉर्डर। तो चलिए खाना खाने चलते हैं। ये अपने पार्टनर की गाड़ी है, फिलहाल हमें लगता है कि वो होटल पे पहुंच गया तो हम लोग भी चलते हैं। दोस्तों शाम के 5:30 बज गए हैं और हम खाना खा के मस्त गाड़ी में ही सो गए थे। अभी शाम को नहाने का प्रोग्राम बना हुआ था और ये अपने पार्टनर साहब गाड़ी वाड़ी सफा करते हुए अब नहाने का, देखिए उधर टंकी है उसी होटल में खड़े हैं। ये जंगल के बीचों बीच होटल है, अब यहाँ से अपना चढ़ाई शुरू हो जाता चौपारण घाटी। तो चलते हैं नहाते हैं, यहाँ पर नहा के चाय पीते हैं, उसके बाद यहाँ चौपारण बाजार है आगे, बाजार में चलेंगे गैस भरवाएंगे जो बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ पर 2-4 दिन खड़ा होना पड़ता है तो गैस अपना। दोस्तों रात के 7 बज गए हैं और हम लोग नहा लिए हैं, नहा के ये चाय अपना चल रहा है, चाय पी के फिर यहाँ से चलते हैं चौपारण। अभी यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, 10 किलोमीटर होगा और नहाने के बाद ना अब अच्छा लग रहा, फ्रेश हो गया है। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं चौपारण बाजार में और ये देखिए भाई साहब चूल्हा ले रहे हैं, ये स्टील वाला नहीं उसका मिट्टी वाला है ना, ये चूल्हा खरीदा जा रहा है ना, मिट्टी नहीं है लोहा है। अरे अपना गैस यहाँ भराया जा रहा है, राशन भी यहाँ मिलता है, देखिए यहाँ राशन में प्याज है, सोयाबीन है, उधर सब चीज़ यहाँ मिलता है।
अरे हम लोग का गाड़ी वहाँ खड़ा है रोड का किनारे। भैया हम लोग चौपारण में सामान ले लिए और सामान भैया का दुकान है यहाँ पे चौपारण बाजार में। सामान में क्या लिए हैं देखिए, तेल ले लिए, प्याज है इसके अंदर, और यहाँ एक चूल्हा लिए हैं, लोहा वाला ले रहा हूँ, और गैस भरा लिए हैं। बांग्लादेश जा रहे हैं तो सामान लेना जरूरी है, कहीं वहाँ फिर दो का चार में मिलता है, वो वाला स्क्रीन में है। अब कोई भी सामान लेने जाइए तो ये लोहे का है, वो मतलब ड्राइवर को थोड़ा महंगा ही दे देते हैं, यहीं से प्याज व्याज ले लिए, ये वाला तो चलिए ठीक है, यहाँ से निकालते हैं। भैया इसी टूल टैक्स पे आ गए हैं और रात के बज चुके हैं 10, और अपना अभी तक सफर चल ही रहा है, हो सकता है कि आज बंगाल भी घुस जाए। अभी यहाँ से बंगाल का सफर ज्यादा नहीं बचा है, 80-90 किलोमीटर होगा ना, तो थोड़ा थकान सा महसूस हो रहा था तो आ गए चाय पीने। आइए भैया आइए, ये भैया की चाय की दुकान है और उस तरफ अपनी गाड़ी खड़ी है, और एक जन का इंतजार भी हो रहा है, वो अभी पहुंच चुके हैं पानागढ़, उन्हीं का इंतजार है, मतलब वो अब हमारा इंतजार कर रहे हैं। और रात में चलने में बड़ा आराम रहता है, रात में रोड भी फाका रहता है, सफर भी अच्छा कट जाता है। अब यहाँ से बैठेंगे तो सीधा चिरकुंडा। हमने पूरा आज थका डाला है गाड़ी चलवा के, और हम कहाँ पहुँच गए हैं, बुधबुद, मतलब बंगाल में अपनी गाड़ी घुस चुकी है। अब बुधबुद में खड़े हैं, अब सुबह 4 बजे अब खाना खाएंगे। देखिए होटल पे बैठे हैं खाना खाने के लिए, और ये देखिए यही होटल है, वो नेशनल हाईवे रोड है, और ये सब गाड़ियां इधर लगी हुई है, अपनी गाड़ी अंदर है होटल के अंदर उधर खड़ी है पार्किंग में। अब रोटी खाएंगे और यहीं पे सोने का प्रोग्राम है। खाने में क्या बोले भैया, तड़का बोला हूँ और दाल, तड़का और मिक्स वेज की दाल, हल्का दाल है, यही आज का रात का खाना होगा, अभी आता है तो उसको भी दिखाते हैं। और हमारे एक उस्ताद जी हैं बनारस दौलतपुर में जो मिले थे, यही पर यहाँ पे हैं पर सो रहे हैं, अभी चलते हैं, अब खा के उनको जगाएंगे, हम सोएंगे आप पहरा दो। बहुत सोच भैया, अपना खाना लग गया है, आ चुका है खाना अपना, और ये देखिए इन्हीं की बात कर रहे थे, 24 घंटा से एक ही जगह खड़ा होकर आराम कर रहे हैं, 24 घंटा चला देंगे, 24 घंटा रेस्ट मारेंगे। हाँ ये खाना खाने का टाइम है। अरे 4 बज रहा था, क्या हुआ, खाना तो खाएंगे। ये भैया अपना तड़का दाल यही सब आया है, चलते है यही खाने, और खा के उसके बाद एकदम सो जाएंगे, एकदम सो जाएंगे। हाँ एकदम मत सोना भाई, पड़ोसी पहरा देंगे। भैया चेयर वाले आओ तरज के, एकदम मत सोना, बाकी कुछ कर लेना। आपको जगाया किस लिए हूँ, पहरा देने के लिए, अब पहरा आप दोगे। दोस्तों अपना खाना पीना हो गया है, और टाइम तो आपको पता ही है 5 बजने वाले हैं, 5 बज रहे हैं, तो चलते हैं सोते हैं, क्योंकि पूरी रात चल के थक भी चुके हैं, और इस ब्लॉग को अब बाय भी कहने का समय आ गया है। और अब यहाँ से ज़्यादा अपना सफ़र भी बांग्लादेश का नहीं है, 200 से भी कम ही है, तो चलिए कल तो पहुँच ही जाएंगे बांग्लादेश। तो इस ब्लॉग को यहीं बाय कहते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आगे का सफ़र देखने को मिलेगा, तो चलिए तब तक के लिए बाय।